हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। निर्मला के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करते बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग, जहाँ भी रहे मस्त और स्वस्थ रहिए। दोस्तों, मैं अभी को वीडियो शूट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी को टाइम मिला है। और ये जो हमारी सब्सक्राइबर हैं, टोटी बंद कर देती हैं, नहीं सही से उसी तरह चली जाती हैं और टोटी का पानी ढेर सारा गिर जाता है। ये रहा सुबह का नज़ारा, सो आप लोगों को दिखा रहे हैं। झाड़ू बर्तन तो हो जाता है, क्योंकि कंप्रोमाइज किसी न किसी चीज़ से तो करना ही चाहिए, है कि नहीं दोस्तों? तो बस झाड़ू बर्तन हो जाता है, कोई ना कोई कर ही देते हैं। नाम नहीं लूँगी, नाम लेने की बात नहीं, वो कहीं है कि वीडियो में मेरा नाम मत लीजिएगा, उसका नाम नहीं देती हूँ। बर्तन झाड़ू का बात के लिए नाम लीजिएगा, नहीं तो नहीं समझिएगा, तो इसलिए उनका नाम नहीं लेती हूँ। और मेरा बाबू गया है कुछ नाश्ते की तैयारियाँ के बीच में लाने, तो मैं अभी बाहर खड़ी हूँ और लोगों को नज़ारा देखते हुए देख रही हूँ। और मौसम बहुत ही अच्छा किया है, मतलब धूप नहीं किया है। और मेरे हस्बैंड जी सुबह ही निकले हैं, 5:30 बजे ही निकल चुके थे मेरे हस्बैंड जी गाड़ी लेकर के, क्योंकि उस वक्त किसी को रिजर्व जाना था, चले गए हैं। देखते हैं कब आते हैं। अब मैं चलती हूँ वीडियो अब मैं चल रही हूँ नहाने धोने, उसके बाद बच्चे लोग के लिए नाश्ता की तैयारियां तो कर ही ली हो। तो ये रहा मेरे बच्ची का नाश्ते का। और ये क्या अनाप सुना उठा ले आया यार, ओरियो। हाँ ठीक है, ओरियो तो बाबू तो यही ले लिया रहता उसके लिए। हाँ, पार्ले जी खाता है। ओहो, बस उसको ब्लैक मैजिक खाली चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ब्लैक मैजिक कहाँ से लाऊं अब? बिस्किट खाने चल रही हूँ दोस्तों, मैं भी जा रही हूँ ब्रश करके नहाने। आऊँगी तो चाय चढ़ा के रखी हूँ और मैं भी खाऊंगी और बच्चे लोग भी खाएगा, क्योंकि आज बिस्किट खाने का मन किया है। क्योंकि पूड़िया कचौड़िया डेली खाती हूँ दोस्तों, पूड़ी कचौड़ी डेली खाती हूँ, तो मैं बिस्किट ही खाऊँगी। कोई आप लोगों को आपत्ति हो और मेरे बच्चे भी खाएँगे, ठीक ना? तो जा रही हूँ बिस्किट और चाय का नाश्ता करने, ठीक है? और उसके बाद खाना पानी बनाऊँगी, क्योंकि खाना खाने वाला तो है ही नहीं मेरे हस्बैंड जी, और नाश्ता पानी हम लोग तो कर ही लेंगे, तो खाना हम लोग खाएंगे लेट से जब मेरे हस्बैंड जी आएंगे तब, क्योंकि हम लोग एक ही साथ खाना खाते हैं, हमको अच्छा ही नहीं लगता उनके, मेरे हस्बैंड जी नहीं रहते हैं तो खाना अच्छा ही नहीं लगता है, वो रहते हैं तभी खाती हूँ। हम लोग सब लोग, बच्चे लोग स्कूल से आता है, उसके बाद मैं भी मतलब कुछ नाश्ता कर लेती हूँ, खाना इकट्ठे खाती हूँ। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई परेशानी बताइए। और सालू और रजनी के बारे में तो आप वीडियो बनाए, आप लोग तो भर भर के गालियाँ दे रहे थे, और कल लाइव में भी भर भर के गालियाँ लोग दे रहे थे। मैं किसी के बारे में गलत नहीं भी बोली हूँ, फिर भी आप लोग मुझे सुना रहे हैं। मैं समझा कर ही बात की थी वीडियो में भी और लाइव में भी, फिर भी आप लोग भर भर के गाली दे रहे थे। क्यों हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं? वो संध्या बोल रही थी कुछ, मैं बोल रही थी तो संध्या हंस गई थी, उसी पे मैं हंस रही थी, तो आप लोग को लगा कि मैं मजाक उड़ा रही हूँ सालू का। ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं सालू का मजाक नहीं उड़ा रही थी, हम लोग आपस में ऐसे बात कर रहे थे। क्यों लाइव में आदमी बात करता है तो इधर आदमी रहता है तो बात नहीं कर सकता? ज़रूरी है आप ही लोग से बात करें, हैं? बताइए, तो आप लोग ना प्लीज बुरा बुरा कमेंट ना करें। ऐसे कमेंट तो बुरा बुरा नहीं आया है, मगर एक है लड़के है औरत, बीनू नीनू क्या नाम है मैं भूल जाती हूँ,
ओ बोले क्यों बीच में आ रही है, क्यों ना आऊँ बीच में, तुम लोग क्यों बीच में आ जाती हो, तुम लोग कौन लगती हो, तुम लोग कोई पटीदार लगती हो, मेरे यहाँ तो रूम लेके रहती थी, मैं उसकी मकान मालकिन हूँ, तुम लोग कौन हो, जितने लोग कमेंट करती हो सब्सक्राइबर लोग, तुम लोग कौन हो, कोई पटीदार कोई नात रिश्तेदार कौन लगती हो तुम लोग, अरे बोलो उतने जितना आदमी सह सके, ठीक ना, कुछ ज़्यादा नहीं तुम लोग ओवर एक्टिंग कर ओवर कमेंट करते हो, ओवर हाँ ज़्यादा ओवर कमेंट ज़्यादा ना किया करो आप लोग, ठीक ना, आप लोग की कमेंट पढ़ पढ़ के ही सालू बिगड़ी है, समझ गए आप लोग, रजनी दोनों लोग पूछो क्यों, क्योंकि उन लोग की तो मजबूरी है, किसी हर मतलब एक बता रही हूँ, कल बोल रही थी रजनी कि मेरी मजबूरी है, मैं वीडियो बनाती हूँ, वो भी बनाती है, और सच्चाई बोलना और झूठ बोलना चाहे कुछ भी, वीडियो बनाती है, वीडियो से ही खाती है, तो भाई कुछ भी बोलेगी, कुछ भी बनाएगी, कुछ भी करेगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग गलत गलत कमेंट करो, गलत गलत कमेंट करने से गलत गलत कमेंट पढ़ पढ़ के वो लोग एक दूसरे से झगड़ा और की है, इसलिए आप लोग प्लीज़ गलत गलत आप लोग कमेंट करते हैं, हम लोग वीडियो बनाते हैं तो आप लोग को क्यों इतना तकलीफ़ हो रहा है, जाओ ना गुड़िया गोरखपुरिया बना रही है, क्यों उन लोग उसको क्यों नहीं गलत कमेंट कर रही हो, बताओ, वो भी तो सबके बारे में बना रही है, बहू जी के लेकर के सब के बारे में, राधा के ऊपर मुसीबत आया है, अमरनाथ पे मुसीबत आया, सब पे सबका थंबनेल बना बना के सबके बारे में बोल के वीडियो बना रही है, रजनी सर निशा गोरखपुरिया गाली दे दे के बना रही है, उन लोगों को क्यों नहीं तुम लोग गाली दे रही हो, हम तो किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, हम किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं, फिर तुम लोग क्यों हमारे को कमेंट कर रहे हो कि गाली तो नहीं तुम लोग दी हो, मगर फिर भी क्यों बीच में ये सब बोल रहे हो कि बीच में तुम कौन हो, टपकने वाली हो, बीच में कहाँ से तुम टपक गई, क्यों ना टपके हैं, क्यों ना बीच में आए, मैं उसकी मकान मालकिन हूँ, मैं जानती हूँ उसके बारे में, तुम जानती हो शुरू से लेकर के सारा कहानी स्टोरियाँ तुम जानती हो उसके उन लोग के बारे में, कैसे उन लोग मिली, कैसे उन लोग रह रही है, कैसे क्या कर, कैसे खाई, कैसे पी, कैसे रह रही है, क्योंकि हमारे पास रही थी 3 साल, हमारे पास रही थी 3 साल, और यहीं पे बैठ कर नाश्ता पानी हर चीज़ करती थी, खाती पीती थी, एक दूसरे से मिलजुल के रहती थी, कभी झगड़ा लड़ाई झगड़ा कभी नहीं, कभी अनबन से लेकर के कभी नहीं हुआ था, मैं यहाँ रहती, मैं चाहती तो मैं नहीं चढ़ाती बढ़ाती दोनों लोग को दोस्ती में, मैं दरार नहीं दे सकती थी, नहीं नहीं कर सकती, झगड़ा नहीं मैं लगा सकती थी, मैं क्यों नहीं मैं सकी, ऐसे यही सब करना था हमको, हैं किराया को किरायेदार को बसाया जाता है, उजाड़ा नहीं जाता है, क्यों मैं करती ऐसा, हमको इन लोगों से फ़ायदा था, क्यों करती मैं ऐसा बताओ, तो मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया 3 सालों में, फिर भी तुम लोग हमी को, इसलिए प्लीज़ तुम लोग बुरा बुरा कमेंट मत करना, ठीक, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं वीडियो बनाऊंगी तुम लोग को गाली दे देकर और नाम ले लेकर, कहो तो अभी सर्च मारती हूँ और सभी लोग का नाम देखती हूँ और उसके बाद तुम लोग का नाम ले करके गाली देती हूँ, समझ गई, इसलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।